ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडल कारं भक्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं तारनाथ तांत्रिक स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र के दुनिया में। मित्रों, आज हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे जीन साधना के बारे में। मैंने पहले वीडियो बनाए थे कैसे हम जीन को बुलाते हैं और उनको हम कैसे कार्य के लिए भेज सकते हैं, वो सकारात्मक कार्य हो या नकारात्मक कार्य हो। सबसे पहले हम लोग ये जान लेना चाहिए कि जीन को हम कैसे बुलाएं या जीन को हम कैसे सिद्ध करें। तो ये साधना 41 दिन का साधना होता है और सच बोलो तो ये मुस्लिम साधना है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कर सकते हो, लेकिन विधि विधान जो है वो पूरी तरह से आर्विक तौर तरीके से है। तो इसके लिए अगर जिनको हिचकिचाहट है, शक्तियों की जरूरत नहीं है, साधना नहीं करना चाहते, वो वीडियो यहीं पे स्किप कर सकते हो। और जिनको शक्ति चाहिए, साधना का मतलब क्या है, कुछ शक्ति अर्जित करना, तो वो जो चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें कि इस वीडियो के अंदर मैं जिनको हम कैसे बुलाएंगे, उसको हम कैसे प्रेरित करेंगे, उसको हम कैसे हमेशा अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो हम उसको कैसे, यानी अगर जिन अगर कोई बदतमीज हो, बदतमीजी करते हैं, तो उनको हम कैसे शासन भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा का पूरा खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जिन है क्या। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया थे, जो मैंने पहले भी कहा कि ऊपर में मेरे स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, जिनको हम कैसे बुला भेज सकते हैं, उसको कैसे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दे दिया। खामखा इस वीडियो में मैं उस चीज को, इतने बड़े चीज नहीं बनाना चाहता इस वीडियो को, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये साधना करने के लिए जो सामानों की जरूरत है वो क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमको। तो जीन साधना करने के लिए आपको जो अहम सामग्री है वो है कोई मुर्दे की वस्त्र का टुकड़ा, जिससे आपको रुई बनाना है, सरसों की तेल और एक दिया, एक मार्कर पेन, यानी जो लिखने वाला मार्कर पेन होता है वो यूज कर सकते हो, या शमशान घाट की जो, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि शमशान घाट में जो मुर्दे को जलाया जाता है, और मुर्दे को जलाने के समय जो चारों तरफ चार चार लकड़ी खड़ा कर दिया जाता है, देखा जाता है ना, जिसके अंदर से वो चिता को सजाया जाता है, वो चार लकड़ियों की कुछ राख लाना है, जो उसे कोयला लाना है कि वो जलते नहीं, वो कच्चे होते हैं, तो उसके कोयला लाना है, उस कोयले से भी आप इस यंत्र को आप लिख सकते हो। तो मैं वो चीज आपको पूरी की पूरी दिखाऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये सामान्य सामग्री के बारे में आपको पता चल गया है। अब आते हैं कि इसके लिए आपको बैठना है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं हाथों नीचे की तरफ करके हम जैसे बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको बैठना है। और ऐसे बैठने के बाद आपकी मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ करके बैठ कर ये साधना को करना है। तो ये सारे सामग्री आप लोग जुगाड़ करने के बाद साधना शुरू कर सकते हो। ज्यादा मेहनती साधना है ये, लेकिन खर्चीलू एकदम जीरो है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज करनी है, जब आप साधना के लिए बैठेंगे तो आपको ये सारे सामान जुगाड़ करके लाना है। क्या क्या सामान है, एक दिया, शमशान घाट की कपड़ा। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको और भी क्लियर कर दूं, कोई अगर नकारात्मक शक्तियों को बुलाना चाहते तो शमशान घाट की कपड़ा से लाए, राख से लिखे, और अगर आप कोई सकारात्मक जीन को बुलाना चाहते हैं तो वो जो मजार पे जो चादर चढ़ाया जाता है, उस चादर को आप एक जुगाड़ करना है, उस चादर को आप लाइएगा, उस चादर से थोड़ी सी टुकड़ा लाने के बाद आप उससे रुई बना के साधना शुरू कर सकते हो। अब जाते हैं कि साधना की स्थिति कैसी होगी, यानी आप साधना को कैसे करोगे। तो सबसे पहले जो सी है, ये साधना करने के लिए आपको शमशान घाट जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर के पीछे कोई जमीन खाली पड़ा हुआ है तो आप वहां पे बैठ के कर सकते हो, या आप जिस घर में सोते हो, जिस आपके पूजा घर में कभी भी इस साधना को ना करें, आप जिस घर में, यानी आपके बेडरूम है, वहां पर भी आप इस साधना को कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया है कि ये साधना आप अपने घर के पीछे या घर के आजू बाजू में जो जमीन खाली रहते हैं वहां पर बैठ कर आप ये साधना कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे आप कर लीजिएगा, और आपके सामने धुनी लगाना, यानी जो आप गोबर के उपले से धुनी लगा सकते हो, आप किसी भी चीज से धुनी लगा सकते हो, यानी जब मच्छर ना काटे, ऐसा नहीं है कि इसको जरूरी है मच्छर ना काटे, इसलिए आप धुनी लगाओगे, धूप अगरबत्ती लगाओगे बहुत ज्यादा ज्यादा परिमाण से, कि बहुत ज्यादा धूप अगरबत्ती लगाओगे इसलिए लगाओगे कि
चारों तरफ एक सुगंध वातावरण पैदा हो, उसके साथ साथ आप जिस एरिया में बैठोगे वहां पे आतर से भर दोगे, यानी आतर के सेंट रहेगा, गुलाब जल से सफाई कर लोगे, यानी आपके नाक में कोई दुर्गंध ना आए, बदबू ना आए, जिसके लिए आपके साधना में कोई दिक्कत या अड़चन आए। और आपको एक चीज याद रखना जरूरी है, इस साधना को जब आप करोगे तब आपको पूरी तरह से वेजिटेरियन बन के रहना होगा, यानी आप मछली, चिकन, मटन, अंडे ऐसे कुछ नहीं खा सकते जो नॉन वेज में आते हैं। आपको पूरी वेजिटेरियन रह के ये साधना करना है। शायद वो आप सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें या नकारात्मक ऊर्जा के लिए करें, यानी जीन आप सकारात्मक जीन को बुलाना चाहते हैं या नकारात्मक, जो किसी को भी साधना करना क्यों ना करना चाहते, लेकिन आपको इससे बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि ये जीन साधना को हम कैसे पूरी तरह से कंप्लीट होने को बैठ के हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग को ये भी हम लोग जान लेंगे कि ये जीन की जो हम साधना करेंगे वो कौन सी डेट से शुरू करेंगे। ये हम किसी भी पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन से 41 दिन तक हमको बिना रुके साधना को कंटिन्यू करनी है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्रों को 1191 बार आपको इस मंत्र का जप करना है पर डे। तो मंत्र बिल्कुल इस तरह की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजमतु अलैकुम या मार्शाल्लाह जिन्नी वाली इंसी रब्तान रब्तान महलान महलान नरशान नरशान महशारान महशारान बिहा की तुलाइमाना परगा सुआवनी दाऊदा अलाइमाच छलाम हाजिर साओ हाजिर साओ हाजिर साओ। तो ऐसे ही मंत्रों को आपको जप करना है पर डे 1151 बार, यानी 1151 बार आपको इस मंत्रों का जाप करना है। और इस मंत्रों को जाप करने के लिए आप यहाँ पे जो मंत्र के हाजिर साव के जहां पे लिखा गया है यहाँ पे आप एक ऐसे तुरी लगाओगे, जैसे हाजिर साव हाजिर साव हाजिर साव, अंतिम में तीन बार मैंने बोला था, तो वैसे आपको तीन बार ऐसे हाजिर साव हाजिर साव हाजिर साव तीन बार चुटकी लगाना है। समझ गए आप लोग, इस मंत्र को आपको 1151 बार जपना है 41 दिन तक कंटिन्यू। अब आपको इस मंत्र तो हो गया, आप दिया का क्या कार्य है। आप ये मंत्र को जपने से पहले आपने जो कपड़े लाए थे उस कपड़े से आप एक रुई बनाओगे, और रुई बनाने के बाद उस कपड़े से सरसों की तेल से आप वहां पे दिया को जलाओगे, प्रज्वलित करने के बाद आप साधना बैठ जाओगे। तो एकदम पूरी तरह से एक बार क्लियर करके बता देते हैं आपको, एक आप जिस साधना स्थल में बैठना चाहते हैं उस साधना जहां पे आप साधना करना चाहते हैं उसके चारों तरफ धूप दीप से पूरे सुगंधित बनाना है। पश्चिम दिशा में बैठ के हाटू नीचे करके आपको बैठना है, जिनकू जैसा बिल्कुल आप मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे। और इसके साथ साथ पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन से 41 दिन तक आपको साधना को कंटिन्यू करना है। मंत्र को 1151 बार आपको मंत्रों का जाप करना है, और आपको ये जो सरसों की दिया जो है वो शमशान घाट की कपड़े और कोयले से लिखे गए यंत्र लिख के आपको इस दिया को बनाना है। यंत्र जो है जो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपको यंत्र बनाना है उस कपड़े के ऊपर, और उस कपड़े से आपको दिया बनाना है। और इस मंत्र को जप करते ही जब आप 2-3 या 4 दिन जब आपका ये मंत्र जपना हो जाएगा उसके बाद से देखना जीन आपके सामने आपके तरफ से अजब गजब की साउंड अजब गजब की चीजें आपको दिखना हो सकता है। अब जब साधना आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद साधना में बैठ ही ना पाओ, या आपके परिवार में कोई अड़चन आना शुरू हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको वो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को फंसाने की कोशिश करेगा कि आप उस साधना को कंप्लीट ना कर पाओ। तो अगर आपके साथ ऐसा अगर होना शुरू हो जाता है तो समझना कि आप पूरे जैन सिद्ध की एकदम करीब आ चुके हो। तो मित्रों आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जीन को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और इसके बारे में जितने जानकारी मैंने दिए हैं ये एकदम पक्के के साथ मैं बोल रहा हूं। और ये चीज प्रयोग करोगे तो यहाँ पे याद रहे कि शमशान घाट के जो कपड़े है उसमें आपको नकारात्मक यानी नापाक जीन आपके पास आएगा, और अगर आप जो मजार के जो कपड़े से अगर रूई बना के अगर आप उनको बुलाओगे इस मंत्रों से, मंत्र एक ही है जो मैंने बताया है वो, और उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, सेम मंत्र से आपको मंत्रों का जाप करना है। बस इससे ही जीन जो है आपके पास आ जाएगा, आप
जब वो आपके सामने आ जाएगा आपको डरना नहीं है, सीधे उससे बात करनी है, वो जो जब सवाल पूछते उसको जवाब के पास है तो है और नहीं है तो नहीं है। अब तो जीन इसकी 40 दिन करने के बाद उसके साथ आपको एक पूरी तरह से मित्रता स्थापना हो जाएगी, यानी वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाएगा जीन। तब आप जीन को कभी भी उसको ऑर्डर नहीं देना है, आप जो जीन को साधन के लिए जितने मेहनत करके आप लाए हो उसको उसको कभी भी ऑर्डर नहीं करना है, उसको हमेशा गुजारिश करना है कार्य के लिए। ऑर्डर करोगे तो फंसोगे आप, कि कोई भी ऑर्डर तो वो पूरा कर सकता है, लेकिन उसके ऑर्डर अगर आप ना पूरा कर पाए तो लेने का देना पड़ सकता है। आप हमेशा उसको रिक्वेस्ट करिएगा, जो मंत्र मैंने बताए थे इस मंत्र को 7 बार जपने के बाद उस दिया को जलाओगे, कोई भी सरसों की उस कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई भी कपड़े कोई भी शमशान जो भी बंदा आपके पास इस कार्य के लिए आएगा आप उसको बस बोलिएगा दोस्त, जो पाक कार्य के लिए आएगा यानी पवित्र कार्य के लिए आएगा आपके पास उसके लिए बोलना कि वो मजार की कपड़ा लाए, और जो नापाक काम के लिए आएगा उनको बोलना शमशान घाट की कपड़ा लाए। इससे अगर आप उसके लिए प्रयोग कर दोगे तो वही जीन जाके आपके कार्य कर देगा। और एक्चुअली ये जो जिन है आपको कोई भी आ सकता है, हमेशा एक जिन आपके साथ नहीं आएगा, कब कौन आएगा कैसे आएगा किस तरह से आएगा आपको खुद को पता नहीं रहेगा, जो शक्ति आपके नजदीक रहेगा वो ही आपके बुलावा से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरे समझ चुके हो मैंने जो कहा है, लेकिन एक बात, कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट करना साधना के पूरी तरह से तैयार होके करना, कि कोई नए साधक इस चीज को कभी भी प्रयोग ना करे, और जो सिर्फ अपने कार्य निपटाना चाहते हैं वो कभी भी इस प्रयोग के आसपास भी ना जाए, क्योंकि चूल्हे के पास वो ही जाता है जो खाना पका सकता है। आपको खाना खानी है तो खर्चा करिए या मांग के खाइए, लेकिन कभी भी खाना बनाने की पास मत जाइए, नहीं तो जिसके लिए आप खाना लाने जा रहे हो सर वो ही ना रहे। तो ये बहुत रिक्स साधना है और बहुत फलदायी भी होता है बहुत, लेकिन थोड़ा रिक्सी है। ये सिर्फ एक उच्च कोटि साधक के लिए ही ये वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन नहीं दबाया वो लोग बेल बटन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए विदाई दीजिए, जय माता रा, जय मां कामाख्या।